18 घंटे बाद भी नहर में डूबे दो मजदूरों का नहीं मिला सुराग, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। महाराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम बहुआर में ट्रैक्टर ट्राली पर सरिया लादकर ले जाते समय बुधवार की रात करीब 9 बजे अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्राली झुलनीपुर नहर में पलट गई, जिस पर सवार 4 मजदूर नहर में डूबने लगे। आसपास रहे लोगों ने किसी तरह 2 लोग मजदूरों को बचा लिया, जबकि 2 मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन देर रात से ही बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं आज करीब 12 बजे गोरखपुर से एनडीआरएफ की एक 18 सदस्यीय टीम पहुंची, जो मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक उनका पता नहीं चल सका है। थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि बुधवार की रात करीब 9 बजे पहुआर से सरिया लादकर झुलनीपुर जल जीवन मिशन के तहत बन रहे पानी की टंकी के निर्माण कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्राली से ले जाया जा रहा था, जिस पर 3 मजदूर और एक चालक सवार थे। ट्रैक्टर अभी झुलनीपुर के पास पहुंचा ही था, इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया, जिससे बह रहे 4 मजदूरों में से 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 2 लापता हो गए हैं। 2 लोगों ने 2 मजदूर राजीव गांधी पुत्र गोपीराम उम्र 27 वर्ष व आकाश पुत्र सुरजन सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी जकाई थाना नारंगी जनपद फिरोजाबाद को पानी से निकालकर बचा लिया। वहीं संजय पुत्र बेचू राम निवासी नगर गरण थाना करमिदूनपुर जनपद गाजीपुर उम्र 19 वर्ष तथा रवि पुत्र सुभाष निवासी पथरा बाजार थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर उम्र करीब 20 वर्ष दोनों पानी में बह गए, जिनकी तलाश के लिए गोरखपुर से एनडीआरएफ की 18 सदस्यीय टीम आई और तलाश में जुटी हुई है। सूचना पाकर मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह, सीओ अनुज कुमार सिंह, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी बहुआर मनीष पटेल का